अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, आज हम आम के बारे में बात करेंगे। गमले में या छत पर जब भी आप आम लगाना चाहते हैं, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात आप अच्छी तरह से फलक करेंगे तो आपको गमले में ज़रूर आम लगेंगे ही लगेंगे। सिर्फ जो बातों का मैं ध्यान देता हूँ वो बात आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। देखिए, जितना भी फ्रूट प्लांट है वो छत पे लगा लेते हैं, उसमें अच्छा फल भी हो जाता है। पर जो आम होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है। आम हर कोई गमले में छत पे लगाना काफ़ी मुश्किल है, हर कोई इस पर फल नहीं ले सकता है। जिसका जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी फेल हो जाता है छत पे आम लगा के फल लेने के लिए। हर किसी के बस में नहीं है कि छत पे आम का पौधा लगाए और उसमें अच्छा फल ले ले, ये किसी का भी नहीं है। बाकी जितना भी फ्रूट प्लांट है वो सब आप गमले में या छत पे लगा के उसमें फल लिया जा सकता है, पर आम जो होता है वो सबके बस की बात नहीं है। बहुत से ऐसा गार्डनर है जो 4-5 साल पुराना भी है, उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है जो आम का पौधे में फल कैसे लेते हैं। आम का पौधे में फल लेना हर किसी के बात छत पे हर किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो 5 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हर कोई आम का फल छत पे नहीं ले सकते हैं। तो यही मैं जो बात मैं आपको ध्यान देता हूँ वो बात आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आप अपना छत पे आम का पौधे में अच्छा फल ले सकेंगे और खा भी सकेंगे मीठा मीठा फल। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला होता है आम का पॉट सिलेक्शन। जब भी आम का पौधा आप लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है आम का पॉट सिलेक्शन, मतलब आप किस चीज़ में आम का पौधा लगाना चाहते हैं। अक्सर आदमी लोग इसी में फेल हो जाते हैं। छत पे आप जब भी आम का पौधा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे अच्छा होता है मिट्टी का ही पॉट यूज करें, बाकी कोई भी पॉट यूज ना करें। मिट्टी का पॉट आम के लिए सबसे बेस्ट और एक अच्छा है। अगर मिट्टी सीमेंट का, ये दो सबसे बेस्ट होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी का ही पॉट में आम का पौधा लगाइए। अगर मिट्टी का पॉट आपको नहीं मिलता है तो फिर आप कोई दूसरा सी चॉइस करते हैं। जो पहला नंबर है वो है मिट्टी का पॉट। मिट्टी का पॉट कम से कम 16 से लेकर 20 इंच तक का होना चाहिए, उसमें आम का पौधा लगा सकते हैं। दूसरा जो होता है, अगर आम का पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है, अच्छा भूसी में हो गया, तो फिर आप उसको बड़ा सा ड्रम में लगा सकते हैं। वो भी 50 से 100 लीटर का ड्रम में अगर आप लगाते हैं इसमें, तो आप अच्छा फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहला गलती जो छत पे गार्डनर लोग करते हैं वो यही करते हैं कि कोई भी पॉट में जाके आम का पौधा लगा लेते हैं और उसमें अच्छा फ्रूटिंग ना ले पाता है। तो जब भी आप आम का पौधा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखिए उसका मिट्टी का ही पॉट आप यूज कीजिए। मिट्टी का पॉट सबसे बेस्ट होता है आम के लिए। और जब आपका आम बड़ा और भूसी हो जाए तब उसको आप कंटेनर में लगा सकते हैं, वो भी 50 से 100 लीटर का अच्छा कंटेनर में आप इसको लगा सकेंगे, फिर उसमें आम अच्छा ले सकेंगे। अब दूसरा जो बात होता है वेराइटी। आदमी को अभी भी बहुत सारा ऐसा गार्डनर है जिसको मालूम नहीं होता है कि आम पे लगाने के लिए कौन सा वेराइटी सबसे अच्छा होता है। आमतौर पर देखें तो जितना भी मैंगो का जो हाइब्रिड वेराइटी है वो छत पे आप लगा सकते हैं, उसमें आप फल ले सकते हैं। सबसे बेस्ट वही होता है कि कोई भी आम जो होता है ना, ज़मीन का कंपेयर नहीं करना चाहिए पॉट में, ये वह चीज़ याद रखिए। अगर आप ज़मीन का कंपेयर करके अगर आप गमले में पौधा लगाते हैं तो आप बिल्कुल भी फल नहीं ले पाएंगे। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आप वेराइटी चॉइस कीजिए। अगर आपको गमले में या छत पे आम का पौधा लगाना है तो सबसे बेस्ट रहता है आपका वेराइटी चॉइस करना। अगर आप वेराइटी अच्छा चॉइस नहीं करेंगे तो आप छत पे अच्छा फल नहीं ले पाएंगे। तो जब भी आप आम का पौधा छत पे लगाने के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा वेराइटी सिलेक्शन कीजिए, वो हाइब्रिड किस्म का होना चाहिए, तो वो छत पे आपको अच्छी तरह से फ्रूटिंग करके देगा। अब तीसरा जो बात रहता है खाद। आम के पौधे में अक्सर जो लोग यही करते गलती करते हैं कि जल्दबाजी, बहुत लोग ज़्यादा करके जल्दबाजी के ही कारण उसका आम का पौधा में फल नहीं आता है या आम का पौधा मर भी जाता है बहुत लोग का, या ग्रोथ भी रुक जाता है। उसका कारण यही होता है कि ज़्यादा करके जो भी लोग रहता है वो आम में काफ़ी जल्दी सोचते हैं कि हम इसमें फल ले लें, तो एक गलत है। आम का पौधा में हमेशा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। तो सबसे पहला होता है खाद। देखिए, आम का पौधा में जब भी आप खाद देते हैं ना, तो उसका सोइल में कम से कम आप साल में एक ही बार खाद दें। बहुत लोग को देखता हूँ जब आम का पौधा में मंजर आने लगता है फिर उसको कोर करके उसमें खाद देते हैं, मगर ये गलत है। आपको जब आप आम हार्वेस्टिंग कर लेते इसके बाद फिर से अच्छी तरह से मिट्टी का थोड़ा कोर लीजिए, फिर उसमें आप खाद दे सकते हो ऑर्गेनिक खाद, फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और छोड़ दीजिए। हमेशा आम का पौधा में साल में एक ही बार खाद दिया जाता है, सोइल में हमेशा खाद नहीं दिया जाता है। हमेशा खाद देने से क्या होता है, आम का पौधा का जो रूट होता है वो हमेशा डिस्टर्ब होता है, और इसके कारण आम होता है वो या तो 6 महीना पीछे चला जाता है या जब भी उसमें मंजर और फ्रूट लगा रहता है वो पूरा का पूरा ड्रॉप कर देता है। उसका अगर रूट अगर आम का पौधा का डिस्टर्ब हुआ तो वो थोड़ा भी आम का फ्रूटिंग नहीं रखता, वो पूरा का पूरा उसका ड्रॉपिंग ही कर देता है। ये चीज़ याद रखिए। गमले में जो होता है ना
उसको बहुत अच्छी तरह से आम का पौधा को केयर करना पड़ता है, हमेशा उसमें खाद पानी नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपको जैसे मंजर आने वाला है तो आपको अगर खाद देने के लिए आप सोच रहे हैं तो आप कोई बैलेंस खाद दीजिए, मगर वो आपको स्प्रे करके दीजिए, कभी भी सोयल में मत दीजिए। उससे आपका सोयल का या तो पीएच लेवल भी ख़राब हो जाएगा और दूसरा बात रहता है उसका जो रूट रहता है ना वो भी डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है, आम में रूटिंग नहीं लग पाता है। तो आप जब भी आम के पौधे में खाद देने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें सबसे पहला होता है कि आप साल में एक ही बार खाद दे, और उस समय खाद कम जिस समय आप आम हार्वेस्टिंग कर लिए हो उस समय आप खाद दे के थोड़ा सा पूर्णिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि और भी ज़्यादा उसमें आम लगेगा। अब जो आखिरी बात जो होता है आम का पौधा का वो होता है आपका रिपोर्ट या मिट्टी अच्छा नहीं बना पाना। आम के पौधे के लिए बहुत लोग यही गलती करते हैं कि उसमें मिट्टी जो रहता है ना, मिट्टी में इतना सारा खाद ऑर्गेनिक भी देखेंगे भर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कभी कभी आम का पौधा या तो सर्वाइव नहीं कर पाता है या वो अच्छा ग्रोथ भी नहीं ले पाता है, या कभी कभी तो ग्रोथ लेता है मगर उसमें क्या होता है फ्लावरिंग ही नहीं आता है, या फ्लावरिंग है कि फ्रूटिंग ही नहीं होता है, बहुत से ऐसा कारण होता है। तो जब भी आप आम का पौधा अगर आप रिपोर्ट करते हैं या जब भी आप नया आम का प्लांट लेके आए और गमला में लगाने के लिए सोच रहे तो सबसे पहले होता है उसका सोयल मिक्स अच्छा बनाना। आम के पौधे में जब भी आप सोयल मिक्स बनाते तो उसमें ज़्यादा करके मिट्टी दीजिए, गोबर की खाद दीजिए और हल्का सा रेत मिला के या वर्मी कंपोस्ट डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ही लगाना चाहिए। कभी भी ज़्यादा खाद आम का पौधा हमें शुरुआती समय में नहीं देना चाहिए। जब अपना आम का पौधा नया प्लांट खरीद के लेके आते हैं उसमें कभी भी ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए, हमेशा नॉर्मली ही मिट्टी सोयल बनाए। इसके बाद 5-6 महीना में वो अच्छी तरह से ग्रोथ ले लेता है, इसके बाद आपको जो खाद देना है वो आम का पौधा में दे सकते हैं, मगर शुरुआती दौर पे आपको नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं सरसों की खली, नीम खली और भी ना जाने कितना सारा उसमें खाद मिला देते, जिसके कारण क्या होता है उसका जड़ में फंगस पकड़ता है, और फंगस पकड़ने के कारण क्या होता है जड़ या तो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं ले पाता है नीचे से, या वो अंदर ही अंदर मर जाता है, जिसके कारण देखेंगे तो उसका पत्ता भी किसी किसी आम का जलने लगता है और सर्वाइव नहीं कर पाता है, लास्ट टू लास्ट तक वो आम मर जाता है। तो जब भी आप प्लांट लेके आते हैं तो ये चीज़ का हमेशा याद रखिए कि उसका अच्छा सोयल बनाइए, ज़्यादा खाद मत दीजिए, हमेशा वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद ये सब बेस्ट खाद है। सब शुरुआती में आप उस आम का मिट्टी बनाते हैं तो वही सबसे बेस्ट है। शुरुआती में आप गोबर की खाद लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, मिट्टी और हल्का सा रेट मिला के ही आप नॉर्मल ही बना के दीजिए। जब आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाए फिर इसके बाद आप जो आपको खाद देना है वो दे सकते हैं, मगर शुरुआती में आप ज़्यादा खाद का मत दीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, सोचेंगे जितना ज़्यादा हम खाद दे देंगे उतना ही पौधा हमारा ग्रोथ ले लेगा, उतना ही अच्छा फ्रूटिंग होगा, तो ये गलत है। शुरुआती दौर पर ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए। अब जो आखिरी रहता है, जो भी प्लांट आप लेके आते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी आप लेके आते हैं उसको लाते ही बहुत लोग अक्सर क्या करते हैं लाते ही और उसको रिपोर्ट कर देते हैं। जब भी आप ऑनलाइन प्लांट लेके आते हैं ना तो उसको कम से कम थोड़ा दिन वक्त दीजिए, उसको छांव में रख दीजिए, जब उस पौधे में ग्रोथ आप देख रहे हैं कि इसमें ले लिया इसके बाद ही उसको रिपोर्ट कीजिए। कभी भी ऑनलाइन प्लांट में जल्दबाजी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ऑनलाइन जैसे ही प्लांट आते हैं एक दिन रखते इसके बाद जाकर रिपोर्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या रहता है आम बहुत ज़्यादा थका भी रहता है, जिसके कारण क्या रहता है वो या तो सर्वाइव नहीं ले पाता है, धीमे धीमे उसका रूट रहता है वो अच्छा ग्रोथ नहीं लेता है, मगर जो मिट्टी में जो भी कीड़ा मकोड़ा फंगस रहता है वो इस पर एक्टिव हो जाता है और कहीं ना कहीं रूट को डिस्टर्ब करके प्लांट को मर जाता है। तो अक्सर गलती यही करते हैं, जब भी कोई ऑनलाइन प्लांट लेके आता है तो या तो जल्दबाजी के कारण ही मरता है। जब भी आप ऑनलाइन प्लांट लेके आएगी प्लांट मंगाते हैं तो उसको कम से कम 5-10 दिन रखिए, जब उसको देखिए अच्छा ये ग्रोथ ले लिया इसके बाद उसको रिपोर्ट कीजिए, कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप नर्सरी से भी प्लांट लेके आते हैं तो जब भी देखिए अगर वो ग्रो बैग में लगा हुआ है पहले से ही तो या उसका रूट बाउंड हो चुका है इसके बाद ही आप रिपोर्ट कीजिए। जब भी आप देखिए नर्सरी से प्लांट लेके आते और वो ज़मीन से उखाड़ा हुआ प्लांट है तो उसको कम से कम आप उसको भी ग्रो बैग में ही शिफ्ट करके थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, जब उसमें देखिए अच्छा ग्रोथ ले लिया इसके बाद ही आप गमले में रिपोर्ट कीजिए। आमतौर पर जब भी आप प्लांट लेके आते हैं और उसको आपको गमले में लगाना है तो जब भी आप नर्सरी से लेके आए तो ज़मीन से उखाड़ा हुआ प्लांट प्लीज़ मत लेके आइए, वो आपको बहुत ज़्यादा ही चांस रहता है मरने के लिए, क्योंकि गमले में जो सर्वाइव करना उसका थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो जब भी आप गमले के लिए प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ग्रो बैग में बहुत पहले से 6 महीना या साल भर पहले से लगा होना चाहिए। कभी भी ज़मीन का उखाड़ा हुआ प्लांट गमले में अच्छी तरह से उतना सर्वाइव नहीं करता है, ज़्यादा करके मरने का उसका काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये चीज़ का आप याद रखिए, ये चीज़ का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पौधा गमले में या छत पे भी अच्छा फ्रूटिंग करेगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। सबसे बेस्ट रहता है आपको फिर से बोल देता हूँ, वेराइटी गमला और दूसरा रहता है आपका अच्छा सोयल और खाद, ये चीज़ पर आप अच्छी तरह से केयर और ध्यान रखेंगे तो आपका 100% आपका पौधा आपका छत पर भी फ्रूटिंग करेगा। ऐसा ही अगर वीडियो मेरा पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, ताकि गार्डन से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। बाय बाय।